नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक भाई ने सवाल पूछा है धोखे से फिल्म बन जाने के बाद। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से भाइयों से जुड़ा हुआ है, बहुत से भाइयों के जहन में यह सवाल चलता होगा। आप इसकी सवाल की जवाब की तलाश में इधर उधर भटक रहे होंगे। आज से भटकना बंद, हम आपको पूरा ब्यौरा, पूरे सवाल का जवाब देने वाले। सवाल क्या है, अब आपकी जहन में इच्छा चल रही होगी तो सवाल सुन लीजिए यार, काहे इतना सुबह। मेरे एक भाई हैं लक्ष्मण, क्या नाम है इनका, लक्ष्मण दीप राम पांडे देसाई, क्या नाम, ठीक है। अगर अपने दोस्तों का स्क्रीनशॉट उसके पास है तो कितने दिनों के बाद वो भेजने का प्रयास कर सकता है, स्क्रीनशॉट कितने दिन तक उसे उसके पास रखता है, वो कितने दिनों में अपने सेफ महसूस कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को अभी वीडियो नहीं भेज सकते, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा। सर मेरा वीडियो बनकर लगभग 4 महीने हो गया है, क्या अभी तक उसके पास मेरा वीडियो होगा, क्या अभी भी मेरे दोस्तों को वीडियो भेजने की कोशिश करेंगे। भाई ये जो सवाल आप साइड में देख रहे हैं, इसमें इस एक ही सवाल में बहुत से सवाल छिपे हुए और उन सब के जवाब आज हम आपको देने वाले। भाई ने पूछा है कि वो लोग हमारे फ्रेंड्स का स्क्रीनशॉट कितने दिन तक रखते हैं। बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा तो किन फ्रेंड्स की बात कर रहा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब आपकी धोखे से फिल्म बनती है, आप फेसबुक से फंसते हैं, इंस्टाग्राम से फंसते हैं, तो जो साइबर अपराधी है सबसे पहला प्रयास करता है कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स के की लिस्ट तक पहुंचने का, आपके फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट तक पहुंचने का और उनके स्क्रीनशॉट लेने का, ताकि जब आपकी वीडियो बन जाए और आप पैसा देने में आनाकानी करें तो आपको आपके फेसबुक फ्रेंड्स का स्क्रीनशॉट दिखाकर डरा सके। सॉरी यार, तो ये प्रयास करता है। सेम सिचुएशन होती है जब आप इंस्टाग्राम से फंसते हैं, तो वो इंस्टा फ्रेंड्स को आपका स्क्रीनशॉट लेने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो उन फ्रेंड्स की बात भाई कर रहा है कि अपने दोस्तों का स्क्रीनशॉट उनके पास है तो कितने दिनों के बाद भेजने का प्रयास करता है। पहला सवाल कि अगर स्क्रीनशॉट है आपके फेसबुक फ्रेंड्स का साइबर अपराधी के पास, जिसने धोखे से फिल्म बनाई है, तो वो कितने दिन तक, मतलब कि वो कितने दिनों के बाद भी भेजने का प्रयास कर सकता है। मेरे भाई देखिए, डिपेंड करता है कि आप फंसे किस सिचुएशन में थे, डिपेंड करता है कि आपने डील कैसे किया शुरुआत में। भाई का जो पहला सवाल यह है कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट उनके पास हैं तो वीडियो भेजने का प्रयास वो कितने दिन बाद कर सकता है। भाई 99.99% मामलों में अगर आपके फेसबुक फ्रेंड्स की स्क्रीनशॉट उनके पास हैं तो 1 से 2 से 3 दिन, 99% मामलों में 3 दिन के अंदर आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने का प्रयास कर सकता है, या फिर आपके फेसबुक फ्रेंड्स को भेजते हुए आपको दिखा सकता है। वो फर्जी ही होता है, आपका वीडियो उनके पास भेजेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, अपनी तरफ से वीडियो डिलीट कर देंगे। ये वाला प्रयास भी, मतलब वो चाहे फर्जी करें कुछ भी करें, यानी कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास आपका वीडियो भेजने का वो प्रयास अधिकतम 3 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। अभी 1 से लेकर शुरू वाले दिन से 3 दिन तक वो ये प्रयास कर सकता है, उसके बाद ना के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा डिले कर रहे हैं, यानी कि उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और मना भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपका वीडियो तो अपने पास रखेगा ही, आपके फेसबुक फ्रेंड्स का स्क्रीनशॉट भी वो अपने पास रखेगा। जब आप आनाकानी लगातार करते रहेंगे और उनको लगेगा कि आप उनको पागल बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के जो स्क्रीन शॉट है उनको एक्स्ट्रा कुछ दिन तक रख सकता वीडियो के साथ। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, आपकी वीडियो जितने दिन तक रखेगा उतने दिन तक वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीन शॉट भी रख सकता है। हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है कि उनके पास सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीन शॉट रह जाते हैं, वीडियो डिलीट हो जाती है कुछ मामलों में, कई बार, पर ज्यादातर ये होता है कि जब आपकी वो वीडियो डिलीट करता है तभी आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट डिलीट कर देता है, क्योंकि आप उनके लिए उस समय यूजलेस हो चुके होते हैं, आप उनके किसी काम के नहीं होते हैं, और वो पजल ना हो इसलिए वीडियो के साथ साथ जिस व्यक्ति को फंसाया है, जिस व्यक्ति की वीडियो है, उसके साथ साथ वो फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट भी डिलीट कर देते हैं। अब भाई के दूसरा सवाल है कि और स्क्रीनशॉट कितने दिन तक उसे पास रखता है। मैंने आपको बताया ना, जब तक आपका वीडियो उनके पास रहेगा तब तक आपका स्क्रीनशॉट वो अपने पास रखेंगे, आपके फेसबुक फ्रेंड्स का, ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको अंतिम उनका वो अंतिम प्रयास होता है आपको डराने का।
देखिए किसी भी सिक्योरिटी मतलब इसमें जब आप फंसते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तीन लेयर होती है। पहले लड़की अपने स्तर पर प्रयास करती है, लड़की नहीं है तथाकथित जो लड़का होता है जो लड़की बनके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, पहले स्तर पर वो प्रयास करता है पैसे लेने का। दूसरे स्तर पर तथाकथित साइबर क्राइम का जो अधिकारी अपने आप को बताता है वो प्रयास करता है, सीबीआई ऑफिसर बता के कि भाई तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वहाँ से पकड़ लूँगा, फलाना कर लूँगा, दिखड़ा कर दूँगा, घसीटते हुए लेके आऊँगा, चालान पेश कर दूँगा, जिंदगी बर्बाद कर दूँगा, इस तरह की जो धमकियाँ देता है साइबर अधिकारी अपने आप को। राम पांडे बताता है, गौरव मल्होत्रा बताता है, विक्रम राठौड़ बताता है, शुक्ला बताता है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं वो सेकंड। और थर्ड लेयर में वो आपको एक नंबर देता है, जो साइबर क्राइम अधिकारी होता है वो आपको एक नंबर देता है सोशल मीडिया यूट्यूब मैनेजर का, वो आपसे पैसे लेने का प्रयास करता है। तो तीन ही लेयर होती है, और जब इन तीनों में कोई पैसा नहीं देता है तो वीडियो वो डिलीट करते हैं, और वीडियो डिलीट करते हैं तो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के जो स्क्रीनशॉट है वो भी उसी के साथ डिलीट कर देते हैं, ये तय है, ये मान लीजिए। और कितने दिनों में अपने आपको सेफ महसूस कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को वीडियो नहीं भेज सकते हैं? तीसरा सवाल ये है कि पहला सवाल था कि स्क्रीनशॉट उनके पास है तो कितने दिनों के बाद वो वीडियो भेजने का प्रयास करते हैं, पहला। और दूसरा, स्क्रीनशॉट को कितने दिन तक अपने पास रखते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के। और तीसरा सवाल ये कि मतलब वो हम अपने आप को कब महसूस कर सकते हैं? मेरे भाई, आप अपने आप को पहले दिन ही सेफ महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आपको भर भरा के उन लोगों को गालियाँ देनी है जितनी दे सकते हैं बिना डरे हुए। आपकी बातों में, आपकी आवाज में डर नहीं होना चाहिए जिस समय आप उनको गलिया रहे होते हैं। आवाज एकदम बुलंद होनी चाहिए, यानी कि आप उनको फोन पर गाली दे और उनको लगे साला तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे मुंह पे कोई गालियां दे रहा है, ये दम, ये जज्बे के साथ जब आप उनको गलियाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक दिन में आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते। अरे दिन छोड़िए, उस कॉल के कटने के बाद आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं अगर आप इतनी ताकत से, आप इतने आत्मविश्वास से उनको गलिया देते हैं तो। क्लियर, क्लोज हो जाएगा मैटर तुरंत, ठीक है। अब भाई का एक पर्सनल जो सवाल है वो है कि सर मेरा वीडियो बनकर 4 महीने हो गया है, क्या अब तक उनके पास मेरा वीडियो होगा? अभी भी क्या मेरे दोस्तों के पास भेजने का प्रयास कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स की स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं? आपको तुरंत डराने के लिए। और कोई भी व्यक्ति डरता कब है? एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। ये साइबर अपराधी अच्छे से जानते हैं तुम्हें 4 महीने हो गए, तो अब आपके फेसबुक फ्रेंड्स के यानी कि साइबर अपराधी ये जानते हैं कि अब तक आपने न जाने उनके बारे में कितनी जानकारियां जुटा ली। और कोई भी इंसान जब सामने वाले को पहचान जाता है कि साइबर अपराधी है तो उनको पैसा नहीं देता है, चाहे कितना भी डरा हुआ हो, उनको पैसा देने से बचता है। इसीलिए साइबर अपराधी आपके वीडियो को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने का जो भी 1-2% प्रयास करते हैं वो शुरुआत के दिन 1-3 दिन तक ही करते हैं, उसके बाद नहीं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी जो वीडियो है जिस समय बनाई गई है उसी समय वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको अगर समय मिल गया तो आप उनके बारे में जानकारी जुटा लेंगे और आप उनको पैसा नहीं देंगे। इसीलिए जब भी आपकी वीडियो को भेजने का प्रयास किया जाता है साइबर अपराधियों के द्वारा वो शुरुआत के 1-3 दिन में ही किया जाता है। अगर तब आपकी वीडियो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास नहीं भेजी, 1-10 दिन के बाद आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने का प्रयास वो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि तब तक तो उनके पास वीडियो भी नहीं रहती है, वो समझ चुके होते हैं कि आप उनको एक भी पैसा नहीं देने वाले होते हैं, नहीं देने वाले हैं, और आप उनके लिए यूजलेस हैं। और जब उनको ये महसूस हो जाता है कि आप उनके लिए यूजलेस हैं तो उस समय आपकी वीडियो भी डिलीट होती है, आपका पीछा भी छूटता है और आप बिल्कुल 100% सेफ भी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब मैंने जो दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से अपने जहन में बिठा लिए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।